मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बेरमो में जनसभा को संबोधित किया। सूबे के भाजपा के प्रत्याशी योगेश्वर महतो बातुल के नामांकन पर्चा भी दाखिल कराया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव राज्य में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए हो रही है, इसलिए जनता से मैं अनुरोध करता हूँ कि एक नए झारखंड का निर्माण किया जा सके। साथ ही कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना एक नए भारत का निर्माण, सशक्त भारत का निर्माण हो। राज्य में अहितकर होगा, हानि होगा, इसलिए खांटी चीज चाहिए। तो खांटी चीज यानी मजबूत सरकार। बीजेपी के नेतृत्व में कोई कितना पैसा बांटे, कोई जात का नारा दे, हमें विकास विकास को ध्यान में रखकर, अपने बेटा बेटी के भविष्य को ध्यान में रखकर, राज्य के हित को ध्यान में रखकर, जिस तरह पार्लियामेंट में आपने देश को बनाने के लिए मतदान किया, उसी तरह 2019 में झारखंड को बनाने, झारखंड को सजाने और संवारने के लिए आपका मतदान हो। जातिवाद से ऊपर उठकर, संप्रदायवाद से ऊपर उठकर, ये जो कीमती वोट है, इसी कीमती वोट के लिए भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, एक अनपढ़ संथाल महिला, ठूनो झाड़ो जब देश के लिए बलिदान दे सकते हैं, तो हमें तो अब देश में इनके लिए मरने का मौका नहीं मिला। सबरंग समाचार के लिए बेरमो से विजय कुमार की रिपोर्ट।